हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी गाइस आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट साइज एंड डिमेंशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड साइज क्या होते हैं तो आइए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो में दिए गए क्वेश्चन का अगर आप पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करें www.safetymgmtstudy.com यही इंफॉर्मेशन विद प्रॉपर डायग्राम आपको मिल जाएंगे साइज ऑफ सोल बोर्ड इन स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले सोल बोर्ड का साइज क्या होता है अगर ग्राउंड लूज है तो स्कैफोल्डिंग ना उसके लिए हम सोल बोर्ड यूज करते हैं इसका साइज होता है 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम बाय टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एम एम बाई थर्टी फाइव एम एम नेक्स्ट साइज ऑफ बेस प्लेट इन स्केफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले बेस प्लेट का साइज क्या होता है बेस प्लेट हम यूज करते हैं ताकि स्कैफोल्डिंग ट्यूब का कोर डैमेज ना हो इसका साइज होता है 150 हंड्रेड फिफ्टी एम एम बाय वन हंड्रेड फिफ्टी एम एम बाय सिक्स एम एम नेक्स्ट मैक्सिमम बे लेंथ इन स्कैफोल्डिंग यानी बे लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है बे लेंथ दो स्टैंडर्ड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड के लिए टू मीटर और हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड के लिए वन पॉइंट एट मीटर नेक्स्ट आउटर डाई ऑफ स्कैफोल्डिंग ट्यूब स्कैफोल्डिंग ट्यूब या पाइप का आउटर डायामी कितना होता है तो इसका आंसर है फोर्टी एट पॉइंट थ्री एम एम नेक्स्ट लेंथ ऑफ पोस्ट और स्टैंडर्ड इन स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है तो इसका साइज होता है सिक्स पॉइंट थ्री मीटर और जरूरत के हिसाब से छोटे पीस में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट विच मटीरियल यूज फॉर स्कैफोल्डिंग ट्यूब स्कैफोल्डिंग ट्यूब में कौन सा मटीरियल यूज होता है इसका आंसर है गैलवनाइज स्टील नेक्स्ट वट शुड बी द थिकनेस ऑफ स्कैफोल्डिंग ट्यूब यानी स्कैफोल्डिंग ट्यूब का थिकनेस कितना होता है इसका आंसर है 4 एम एम नेक्स्ट स्केफोल्डिंग ट्यूब यूज टू कनेक्ट टू स्कैफोल्डिंग पोस्ट इज कॉल्ड यानी दो स्कैफोल्डिंग पोस्ट को हॉरिजॉन्टली जोड़ने वाला पार्ट का क्या नाम है इसका आंसर है लेजर नेक्स्ट नेम ऑफ कंपोनेंट्स यूज टू सपोर्ट स्कैफोल्डिंग प्लैंक इन स्कैफोल्ड यानी स्कैफोल्डिंग प्लैंक को सपोर्ट देने वाले पार्ट का नाम इसका आंसर है ट्रांसम नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट यूज टू प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी इसका आंसर है ब्रेसिंग्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग्स इन स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग में ब्रेसिंग्स कितने तरह के होते हैं इसका आंसर है फेस एंड क्रॉस ब्रेसिंग्स नेक्स्ट एट व्हाट एंगल फेस्ड ब्रेसिंग फिक्स्ड इन स्कैफोल्डिंग यानी फेस ब्रेसिंग्स का एंगल कितना होता है इसका आंसर है 45 डिग्री नेक्स्ट मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड बिटवीन टू प्लैंक इन स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग प्लैंक के बीच कितना गैप या स्पेस अलाउड है इसका आंसर है मैक्सिमम 1 इंच 1 नेक्स्ट विथ ऑफ वॉक वे एंड प्लेटफॉर्म इन स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म या वॉक वे का विथ कितना होना चाहिए इसका आंसर है मिनिमम एटीन नेक्स्ट वट शुड बी विथ ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लैंक यानी स्कैफोल्डिंग प्लैंक की विथ कितनी होनी चाहिए इसका आंसर है 150 हंड्रेड फिफ्टी एम एम टू थ्री हंड्रेड एम एम नेक्स्ट वट शुड बी द हाइट ऑफ स्कैफोल्डिंग टू बोर्ड यानी टू बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए इसका आंसर है सिक्स इंच नेक्स्ट हाइट ऑफ टॉप रेल इन स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग में टॉप रेल की हाइट थर्टी एट टू फोर्टी फाइव इंचोल्डिंग यानी क्लैम्प या कपलर्स कितने तरह के होते हैं इसका आंसर है लोड बेरिंग एंड नॉन लोड बेरिंग क्लैम्प नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लैम्प एंड कपलर्स राइट एंगल और फिक्स क्लैम्प इसका यूज पोस्ट को 90 डिग्री पे फिक्स करने के लिए करते हैं नेक्स्ट स्विवल कपलर इस कपलर से पोस्ट को किसी भी एंगल पे फिक्स कर सकते हैं नेक्स्ट सिंगल और पुट लॉक क्लैम्प इस क्लैम्प से लेजर को ट्रांसम से सिक्योर करते हैं नेक्स्ट स्लीव कपलर इस कपलर से ट्यूब को आउटर डी से ज्वाइंट कर सकते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट पिन इसकी हेल्प से स्कैफोल्डिंग ट्यूब को इनर डी से कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रेवलॉक कपलर इसे हम बीम क्लैम्प भी बोलते हैं इसका यूज किसी स्ट्रक्चर बीम से स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट देने में करते हैं नेक्स्ट टो बोर्ड क्लैंप। यह क्लैंप टो बोर्ड को सिक्योर करता है नेक्स्ट लैडर क्लैंप। इससे लैडर को सिक्योर करते हैं नेक्स्ट हाउ मच फोर्स गार्ड रेल्स मस्ट बी विथ स्टैंड यानी गार्ड रेल कितना फोर्स बेयर कर सकता है इसका आंसर है 90 किलोग्राम्स नेक्स्ट हाउ मच अ लैडर शुड बी एक्सटेंडेड अबव लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी लैडर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से कितना ऊपर होना चाहिए इसका आंसर है मिनिमम वन मीटर नेक्स्ट सेफ एंगल फॉर लैडर? लैडर के लिए सेफ एंगल क्या है इसका आंसर है 75 डिग्री नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग एज पर लोड बेरिंग कैपेसिटी यानी लोड बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग के टाइप्स फर्स्ट है लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड 25 फाइव पाउंड स्क्वायर फुट सेकेंड है मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड फिफ्टी पाउंड स्क्वायर फुट थर्ड है हेवी ड्यूटी स्पैफोल्ड सेवेंटी फाइव पाउंड स्क्वायर फुट अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहे तो कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बी सेफ बी हैप्पी